व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाहपुर शामजीद कहता हूँ। आज हम एक मेजर डिजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से जो है कॉज होती है। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो इससे बहुत सी हेल्थ कम्प्लिकेशन आती हैं। अगर एक्यूट कम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास कीटोएसिडोसिस कॉज होती है कि हमारी बॉडी में जो है कीटोन बॉडीज ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से जो है पेशेंट में जो है उनके माउथ से अजीब सी आपको स्मेल जो है महसूस होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में चली जाती है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है। अगर सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ काज हो रही होती है, क्योंकि इससे हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली जो है हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, उनके जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब स्ट्रोक भी काज हो सकता है, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर के बढ़ने से वेजल्स पे जो है प्रेशर ज़्यादा लगता है। अगर वो एक्सेसिवली जो है इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होता है, हमारी वेजल्स जो है रप्चर भी हो सकती है, उस वजह से हमारा स्ट्रोक भी काज हो सकता है। इसके अलावा किडनी डिजीज़ भी जो है कॉमन है, फुट अल्सर और जो नर्व की डैमेज भी वो कॉमन है। इसके अलावा आइस को भी जो है डैमेज करता है और जो हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको भी इम्पेयर करता है। उसकी वजह ये है कि हमारी ब्रेन और आइस जो है मोस्टली जो उनकी एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है कैरी करते हैं, जो एनर्जी को वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन से करते हैं। अब टाइप ऑफ डायबिटीज़ की बात की जाए तो दो तरह की होती हैं। या तो हमारे पास इनफ अमाउंट नहीं है इंसुलिन की प्रोड्यूस हो रही कि जो कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाए और ग्लूकोज को जो है सेल में इंटर करवाए ताकि उसके फर्दरली जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रदान हो सकें, या फिर जो है हमारी बॉडी जो है उसके रेजिस्टेंट हो गई है और इफेक्टिवली जो है इंसुलिन जो है अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रही। अब टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो ये हमारे पास एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स को, जो हमारे बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती और हम जो है डायबिटिक की कंडीशन में चले जाते हैं। 10% ऑफ पीपल जो है वो इस टाइप ऑफ डायबिटीज़ को जो है कैरी करते हैं, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत कॉमन है और मोस्टली जो है पेशेंट जो है इसी से अफेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन की, और या फिर हमारी इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रही होती कि रेजिस्टेंट होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में उससे जो है ज़्यादा की अमाउंट में जो है हमें इंसुलिन चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई मिसाल के तौर पे कोई ड्रग भी यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप उसको जो है बार बार यूज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आएगा दोबारा यूज़ करने से, तो उसके लिए आपको उससे हाई डोज की ड्रग चाहिए होती है। तो सेम इसी तरह इंसुलिन के साथ भी यही है। अब बी डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें भी हमारा जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो नॉर्मल से इंक्रीज़ करने की वजह से जो है हमारी जो प्री डायबिटीज़ कह रहे हैं इसको हम, लेकिन इसमें भी हमारा पेशेंट जो है वो डायबिटीज की कंडीशन में जाता नहीं है, सिर्फ इसमें जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है उसको हम जो है अर्ली डायग्नोस करके हम ट्रीट भी कर सकते हैं पेशेंट को। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास वो ब्लड शुगर लेवल जो है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। उसमें होता क्या है कि हमारे प्लेसेंटा से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि इंसुलिन की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो एक टर्म होती है हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो उसको आपने डायबिटीज़ मेलिटस से जो है कन्फ्यूज़ नहीं करना। इनके नेम जो है सिमिलर हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर, इनकी जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि हमारे पास किडनी जो एक्सेसिव फ्लूड जो है रिमूव करना शुरू कर देती है, तो इसके सिम्टम काजेज और ट्रीटमेंट जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस से डिफरेंट है। अब सिम्टम्स की बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ के सिम्टम जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो है शो हो रहते हैं, जिनमें हमारे पास मोस्टली जो है हंगर का इंक्रीज़ होना, थर्स्ट का इंक्रीज़ होना, वेट का लॉस होना, एक्सेसिव यूरिनेशन, ब्लरी विजन, स्टीम फटीग, सोर्स जो कि हील नहीं होते इतनी जल्दी। अब हंगर क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब आपका ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही तो प्रॉपरली जो है बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, तो बॉडी जो है वो यही समझती है कि आपको जो है खुराक की ज़रूरत है, तो जिस वजह से हमारे जो हंगर सेंटर है हाइपोथैलेमस में वो एक्टिव हो जाती है और हम जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के उनको मोस्टली जो है भूख लगती रहती है। सेम इसी तरह थर्स्ट की भी यही कंडीशन है, और वेट लॉस इस तरह होता है कि जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा तो हमारा फैट जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारा बॉडी का वेट जो है लॉस होना शुरू हो जाता है।
अब स्ट्रीम फटीक की बात करें तो जब एनर्जी प्रॉपरली नहीं मिल रही, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो उस वजह से हमारे मसल्स भी फटीक में चले जाते हैं। अब सोर्स इस तरह होते हैं कि ग्रेप ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो कुछ हमारे जो सेल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जिस वजह से हमारे जो बॉडी के जो है पोर्शंस में सोर्स बनना शुरू होते हैं, जख्म बनना शुरू होते हैं जो कि ईजिली हील नहीं होते। अब कुछ जो सिम्टम्स हैं मैन में और वुमेन में थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर मैन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि वीनस की जो हमारी इरेक्टाइल एबिलिटी है वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अगर वुमेन्स में बात करें तो उनमें यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जो है कॉमन है, इसके अलावा ब्रेस्ट इन्फेक्शन और ड्राई और इची स्किन जो है मोस्ट कॉमन है डायबिटीज़ की वजह से। अब टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में सिम्टम्स सेम ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस फर्क ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्टली जो पेशेंट को जो है बॉडी में जख्म बनना शुरू होते हैं जिस जो कि स्लोली हील हो जाते हैं, और अगर ये टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो जाए और हमारे बॉडी में जख्म बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो गैंग्रीन की कंडीशन में भी चली जाती है कि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो जाती, तो हमारे जो पेशेंट है उनके जो लिम्स हैं उनको भी कटआउट करना पड़ जाता है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बात करें तो जब जेस्टेशन का पीरियड जो है स्टार्ट होता है तो उससे 24 या 28 वीक्स के पीरियड वीक्स के दौरान में हम जो है नॉर्मल रूटीन ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारे पास पेशेंट है वो डायबिटिक तो नहीं, क्योंकि मोस्टली हो सकता है कि अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो वो जीन्स जो हैं वो कैरी हो के हमारे पास फीटस में भी जा सकती हैं, तो वो भी मसला काज कर सकते हैं। अब बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि जो वुमेन जेस्टेशनल डायबिटीज से जो है इफ़ेक्ट हों तो जो है इंक्रीज थर्स्ट या यूरिनेशन को जो है फेस करें। अब डायबिटीज़ की प्रिवेंशन किस तरह करनी है हमने, अब डायबिटीज़ जो है अर्ली आप प्री डायबिटीज़ की बात करें हम तो उसमें हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक डायबिटीज़ कॉज हो गई है, क्योंकि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो दोनों कंडीशन में हमारे पास वो कंडीशंस होती हैं जो ट्रीटेबल नहीं होती। टाइप 1 की बात करें तो वो इम्यून सिस्टम के डैमेज होने की वजह से होता है और इम्यून ऑटोइम्यून डिजीज़ की कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो ये एज के साथ या जीन की डिफेक्शन की वजह से जो है कॉज हो रही है, तो इसमें भी हमारे पास जो है ट्रीटमेंट के कोई इतना प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। लेकिन इसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी में उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो किस तरह कर सकते हैं कि हमारी जो डाइट है उसको आप जो है एडजस्ट करें, अपनी फिटनेस रूटीन को एडजस्ट करें। अगर आप जो है प्री डायबिटीज से जो है डायग्नोस हो चुके हैं तो आप अपने जो है कुछ कामों को डिले करके या प्रिवेंट करके जो है टाइप 2 कंडीशन में जाने से बच सकते हैं। वो किस तरह कि आप डेली जो है अपनी एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है करें, पर वीक जो है आपने 150 मिनट्स के लिए जो एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिसमें हमारा वॉकिंग आ जाती है, साइकिलिंग आ जाती है। इसके अलावा आपने सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को जो है अपनी डाइट से जो है रिमूव कर देना है। इसके अलावा आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी बहुत कम करना है। फ्रूट वेजिटेबल और होल ग्रेन को जो है अपने जो डेली ईटेबल थिंग्स में जो है आपने वो शामिल कर लेना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स ले भी रहे हैं तो आपने स्मॉल पोर्शन में लेने हैं, तो ज़्यादा नहीं लेने। इसके अलावा आपने जो है अपना जो है 7% बॉडी वेट को लूज़ करना है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप ओबीस है ना तो फैट की यूटिलाइजेशन से भी जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उससे भी आपके ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज़ कर जाता है। अब काजेज़ की बात करें डायबिटीज़ की, तो काजेज़ जैसे बात की हमने कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो इसका कोई प्रॉपर काज नहीं है। हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो मिस्टेकली जो है हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को जो है हमारे पैनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारी जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो जाती। अब ये किसी भी वजह से हो सकते हैं कि वहाँ कोई ऐसा एजेंट है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है डिस्टर्ब कर रहा है और उसको उकसा रहा है कि हमारे जो सेल्स हैं बीटा उनको आके डिस्ट्रॉय करें, या कोई भी वजह हो सकती है, प्रॉपर कोई इसकी रीज़न नहीं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो अभी हमने बात की कि ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से कॉज हो रही होती है। अब ये ओवर एज जब पर्सन हो जाता है तो उनका वेट जो है लूज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह क्या है कि वो डायबिटिक कंडीशन में जा रहे होते हैं। इसके अलावा
अगर पेशेंट ओबीस है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इसको डायबिटीज टाइप टू डायबिटीज़ को जो है कैरी कर रहा होता है। अब यहाँ लाइंस लिखी हुई हैं कि अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है स्पेशली आपके बैली में, तो क्या होता है जो सेल्स हैं आपके बॉडी के वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के इफेक्ट से, तो जिस वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज़ कर जाता है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि जब आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो जेनेटिकली आपकी फैमिलीज में भी ये डिजीज़ जो है रैन करना शुरू कर देती है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें तो ये हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है प्रेगनेंसी के दौरान। क्या होता है कि प्लेसेंटा कुछ इस तरह के हार्मोन्स जो है प्रेगनेंट वुमेंस में जो है रिलीज़ करते हैं, जो कि सेंसिटिव लेस सेंसिटिव होते हैं हमारे पास इंसुलिन के इफेक्ट से, तो जिससे वजह से हमारा इंसुलिन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, हमारी जो प्रेशर्स होती हैं जो वुमेंस होती हैं वो हाई ब्लड शुगर लेवल की तरफ चली जाती हैं, या फिर अगर वो ओवर वेट हैं तो जो है उस वजह से भी वो टाइप टू डायबिटीज़ की कंडीशन में जा सकती हैं। अब हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डायबिटीज़ के, तो हमारे पास टाइप वन डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, मोस्टली टाइप वन डायबिटीज़ जो है चाइल्ड या टीनेज उम्र में जो है आपको होती है। उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को वो कंडीशन है तो क्या होता है वो आप जीन्स कैरी कर लेते हैं, तो जिस वजह से आपके जो इम्यून सिस्टम है वो उनके जो है अगेंस्ट जो है वर्क करना शुरू कर देता है। या टाइप टू डायबिटीज़ की बात की जाए तो उसमें यही है कि आप ओवर वेट हैं या आप ओवर एज हैं या आपके पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में जो है वो कंडीशन है, तो जेनेटिकली आप पे ट्रांसफ़र हुई है, या आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, या आपको फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या आप प्री डायबिटिक्स के जो है पेशेंट हैं, या आपका जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है आपकी बॉडी जो है कैरी कर रही है, और मोस्टली आप इन इलाकों से जो है बिलोंग कर रहे हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन्स हैं, एशियंस हैं, इंडियंस हैं, तो इनमें जो है डायबिटिक की कंडीशन जो है बहुत मोस्टली ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी डाइट्स कुछ इस तरह की होती हैं तो ये डायबिटिक की कंडीशन में जा सकते हैं। अब डाइजेशनल डायबिटीज़ की बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें यही है कि आप जो है ओवर एज हैं, ओवर वेट हैं, या फिर आप पास्ट प्रेगनेंसी में आपको जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, या आपने जो है अपना 9 पाउंड से ज़्यादा वेट के जो चाइल्ड को जो है बर्थ दी है, या फिर आपकी जो फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि जिनमें टाइप टू डायबिटीज़ जो है प्रेजेंट थी तो जेनेटिकली आपने कैरी कर लिया, तो ये सारे, या फिर आपने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है उससे आप जो है इफेक्ट हुए में, तो इन सब कंडीशन में जो है आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो वीडियोस हैं हम आपके लिए बनाते रहें।